जंगल के बीचों बीच, पन्ने के पत्तों और घुमावदार नदियों के बीच, एक दुर्लभ और रमणीय प्राणी रहता था, पेटल नाम का एक गुलाबी हाथी। पंखुड़ी का गुलाबी रंग उसके जादुई फूलों से आया था। जो उसे हल्के लाल रंग से सुशोभित करता था। एक दिन जब जंगल को सूखे का सामना करना पड़ा तो पेटल ने एक दयालु खोज शुरू की। अपनी सूंड ऊंची करके उसने बादलों पर छिड़काव किया। जिससे मुरझाई हुई वनस्पतियों के लिए जीवनदायी वर्षा हुई। कृतज्ञ जंगल जीवंत रंगों से खिल उठा। पेटल की दयालुता ने जानवरों के बीच एक बंधन पैदा किया, जिन्होंने उसे फूलों का संरक्षक करार दिया। उसकी उपस्थिति ने जंगल में खुशी और सद्भाव लाया। एक बार सूखी भूमि हरे भरे रंगों के स्वर्ग में बदल गई। पंखुड़ी गुलाबी हाथी ऊंचा और गौरवान्वित खड़ा था, उस जादू का प्रतीक जो दया और करुणा दुनिया में ला सकता है।